हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग चलिए मार्केट में चलते हैं, हम लोग कुछ बर्तन लेंगे और कुछ सामान भी लेना है, तो सामान वगैरह ले लेंगे, पूजा के सामान भी लेना है, दिया बत्ती भी लेना है और कुछ फ्रेंड्स लोग को भी कुछ सामान लेना है, तो वो सब भी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं दीघा में, बढ़ रहे हैं। इस फ्रेंड्स को बर्तन लेना है, इसके लिए बह रहे हैं, इसको एक बर्तन लेना है, एक नहीं बर्तन दिलवा देंगे और बाकी बढ़ रहे हैं मार्केट में। आज भीड़ बहुत ज्यादा है धनतेरस होने के कारण, तो सीधा बह रहे हैं मार्केट में हम लोग, दीघा के मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। कपड़ा मैंने जाम की लग गया था, काफी सारा जाम भी लग चुका है, इधर भी देखो अब हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट में। ये पूरा मार्केट पूरा सजावट से भरा हुआ है फ्रेंड्स, देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से ये कपड़ा ले रहा है, हम लोग कपड़ा लेने के लिए आए थे, ये शर्ट सिलने के लिए दिया था, तो यहाँ से हम लोग शर्ट ले रहे हैं इसका। ये चेक कर रहा है पहन कर कि कैसा हो रहा है, इसको फिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। शर्ट लेने के बाद हम लोग मार्केट से निकल रहे हैं, वैसे मार्केट में बहुत ज्यादा क्राउड है अभी। फाइनली देख लीजिए बर्तन के दुकान में कितना ज्यादा भीड़ हो चुका है, सभी लोग बर्तन लेने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए बर्तन की दुकान की भीड़, बताओ निकलवा ले तो जाएगी रंगोली कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे यहाँ पे फूल दिख रहे हैं, मार्केट काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने में। इधर फ्रेंड्स मार्केट में दिया वगैरह बिक रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग इंटर किए ये वाले हार्डवेयर में। फ्रेंड्स हम लोग ये वाले हार्डवेयर में जाते हैं, एक फ्रेंड्स को लॉक लेना है तो लॉक ले लेंगे, और मेरे को तो फेविकॉल्स भी ले लेंगे। छोलनी कल छू ले लिए, फाइनली सामान लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सामान लेके निकल रहे हैं बर्तन वाले मार्केट से। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग इसका कढ़ाई वगैरह ले लेने के बाद एक लंच बॉक्स लेना है, तो आगे के मार्केट में चलते हैं। लंच बॉक्स यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आगे में मेरा ही शॉप है, आप वहाँ पे चल जाइए। तो हम लोग बढ़ रहे हैं फिलहाल उस शॉप की तरफ। इधर देखिए दिया वगैरह बिक रहा है, इधर लक्ष्मी गणेश जी का मूर्त वगैरह बिक रहा है इधर मार्केट में पूरा। चलिए हम लोग जा रहे हैं, इसके लिए झाड़ू लेना है, इस भाई के लिए एक झाड़ू लेना है, तो फिलहाल जा रहे हैं इसको झाड़ू दिलवाने के लिए। स्टील पीछे आ रहा है, देखिए तो फोन में कुछ चला रहा है, पता नहीं क्या चला रहा है। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल मार्केट में हम लोग यहाँ से झाड़ू ले रहे हैं। ये देखिए महंगा तो है भाई, तो लक्ष्मी पूजा है तो महंगा तो रहेगा, जाहिर सी बात है। इसको लाल साग लेना है, तो लाल साग यहाँ पे ले रहा है 20 रुपए किलो। 1 किलो के डिमांड किए हैं सर, 1 किलो के डिमांड, 1 किलो यहाँ वजन हो रहा है साग का। फाइनली ले लिए हम लोग मार्केट से सब्जी, और फाइनली हम लोग आ गए हैं लाइट के दुकान पे, देखते हैं लाइट पसंद पड़ता है या नहीं। प्राइस कितना पड़ेगा भैया? 220। क्या मीटर है? 30 मीटर है। तीस मीटर इसका 100 रुपया। ये क्या मीटर होगा? 12 मीटर। काफी महंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग लाइट नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट महंगा दे रहा था। हम लोग यहाँ से झाड़ू बढ़ नहीं ले लेते हैं क्योंकि हमारे इतिहास में यह माना जाता है कि झाड़ू बढ़नी में ही लक्ष्मी जी का निवास होता है, और यह धनतेरस पूजा तो लक्ष्मी जी का ही पूजा होता है। तो हम लोग यहाँ से झाड़ू ले लेते हैं, इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, इसका कॉस्ट 10 रुपए पीस है। फ्रेंड्स सामान लेने के बाद फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं गाड़ी की ओर, तो चलिए अब निकलते हैं घर। तो फ्रेंड्स
फाइनली हम लोग मार्केट करके घर आ चुके हैं। तो देखिए हम लोगों ने मार्केट से क्या क्या लिया है। ये एक हम लोगों ने बर्तन लिया है, ये आप लोग भी देख सकते हैं। और क्योंकि धनतेरस में झाड़ू बढ़नी सभी लोग लेते हैं, अक्सर सभी घरों में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज धनतेरस पूजा में झाड़ू वगैरह ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।